सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों मसीह जीवन कठिनाइयों से भरा एक जीवन है और खासकर ज़्यादा कठिनाई उन लोगों को होती है जो विश्वास में बिल्कुल नए होते हैं। कई बार नए विश्वासी बहुत सारे डाउट्स का सामना करते हैं, उन्हें पाप से लड़ने में कठिनाई होती है और कुछ तो दूसरों को यीशु के बारे में बताना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि कब और कैसे बताएं। दोस्तों यदि आज आप भी एक नए विश्वासी हैं या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो नया नया विश्वास में आया है तो यह वीडियो आज आपकी पूरी मदद करेगी। और इस वीडियो में हम 5 बड़ी कठिनाइयों के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको उनसे बाहर आने का रास्ता भी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहली कठिनाई, संदेह से लड़ना। जब कोई व्यक्ति नया नया विश्वास में आता है तो उनके अंदर बहुत सारे डाउट्स होते हैं। शुरुआत में मेरे मन के अंदर भी बहुत सारे डाउट्स थे। मेरे दोस्त ने कहा भगवान तो एक है, यीशु, अल्लाह, कृष्णा, बस नाम अलग अलग हैं, सभी धर्म एक ही मंजिल पर पहुंचाएंगे। एक दूसरे दोस्त ने कहा कि दीपक तुम कैसे दावा कर सकते हो कि तुम्हारा ही धर्म सच्चा है, और मेरे मन में संदेह आने लगे। एक मुस्लिम दोस्त ने मुझसे कहा कि तुम्हारी बाइबल तो बदल दी गई है, ये जो तुम्हारे पास बाइबल है ये ओरिजिनल बाइबल नहीं है। और ये सब बातें सुनकर मेरे मन में बहुत सारे संदेह आने लगे, लेकिन मैं इन सब बातों से दूर रहकर प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर से पूछने लगा कि परमेश्वर आप मुझे अपनी सच्चाई बताएं। और क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि मनुष्य सच्चाई को जाने, परमेश्वर ने सच्चाई बताई भी। और उसके बाद मैंने अपना ज़्यादा समय बाइबल पढ़ने में बिताना शुरू किया और मैंने ज़्यादातर बाइबल की भविष्यवाणियों को पढ़ना शुरू किया। बाइबल में शुरू से लेकर अंत तक 300 से भी ज़्यादा भविष्यवाणियाँ हैं। पुराने नियम की 40 से भी ज़्यादा भविष्यवाणियाँ प्रभु यीशु मसीह को खुदा साबित करती हैं। बाइबल की भविष्यवाणियों में प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि अंत के समय में भूकंप, युद्ध, भूखमरी और महामारी, ये सब कुछ होगा। दानियल 2 अध्याय की भविष्यवाणी के अनुसार आने वाले 4 बड़े साम्राज्यों के बारे में हजारों साल पहले ही बता दिया गया था। और दोस्तों जब मैंने ये सब बातें जानी तो मेरे डाउट्स कम हो गए, खत्म नहीं हुए लेकिन कम जरूर हो गए, और मैं परमेश्वर में विश्वास में और भी ज्यादा मजबूत हो सका। दोस्तों यदि आज आप भी एक नए विश्वासी हैं और संदेह से लड़ रहे हैं तो बाइबल पढ़ें, इसे ध्यान से पढ़ें और खासकर बाइबल की भविष्यवाणियों को जानें और आपके डाउट्स जरूर कम हो जाएंगे। दोस्तों दूसरी कठिनाई, पाप से लड़ना। मसीहों के बीच में एक बड़ी ही गलत विचारधारा है। लोग सोचते हैं कि अगर मैं यीशु को अपना लूँगा तो सारा जीवन मेरी इच्छा के अनुसार चलेगा, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। हम अंत तक पाप से और कठिनाइयों से लड़ते रहेंगे। प्रेरित पौलुस ने लिखा इफिसियों 6 अध्याय उसके 12 वचन में, हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। जब आप मसीह को अपनाते हैं तो आप एक आत्मिक युद्ध के भागीदारी बन जाते हैं, जहां शैतान और उसके दूत पूरी कोशिश करेंगे आपको पाप में गिराने की। और बाइबल हमें बताती है कि जब हम मसीह के साथ चलेंगे तो हमें अपनी सारी गंदी लालसाओं, गंदे विचारों को भी त्यागना पड़ेगा, उन सभी बुरी बातों को मारना पड़ेगा। लिखा है कुलुशियों 3 अध्याय उसके 5 वचन में, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, दुष्कामना, बुरी लालसाओं और लोभ। पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 1 और 2 वचन में नए विश्वासियों को नए जन्मे बच्चों के समान बताया गया है। बच्चे गलतियां करते हैं, काम बिगाड़ते हैं, लेकिन जब वो बड़े होते हैं तो उनमें बदलावट आती है। ऐसे ही जब आप विश्वास में बढ़ते हैं तो बदलावट आनी चाहिए, हमेशा पाप की जिंदगी में ना फंसे रहें आप। दोस्तों तीसरी कठिनाई, आपका परिवार और आपके दोस्त आपके खिलाफ हो जाएंगे। जब मैंने प्रभु यीशु को अपनाया तो सबने मुझे नहीं अपनाया। कुछ लोगों ने धर्मांतरण के आरोप लगाए, कुछ ने दोस्ती खत्म कर दी, कुछ लोगों ने झगड़ा करने की भी कोशिश की, और आज भी मैं इन सब समस्याओं का सामना करता हूँ। आज यदि कोई आपका विरोध करे तो आप क्या करेंगे? ऐसे लोगों को इग्नोर करें। आप उनके सामने बार बार सच को प्रूव करने की कोशिश ना करें, सच को प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा बहस करने में समय बिताएंगे तो वहाँ वाद विवाद हो सकता है। समझाएं उसी को जो आपको लगता है कि समझ सकता है। बहस, वाद विवाद लोगों को ठेस पहुँचा सकती है, और अगर ठेस पहुँच जाए
तो उन्हें जीतना काफी मुश्किल हो जाता है। नीति वचन 18:19 में लिखा है, चिड़े हुए भाई को मनाना दृढ़ नगर के लेने से भी ज्यादा कठिन होता है। तो दोस्तों, जब कोई आपसे बहस करे तो आप उनसे बहस ना करें। अगर आप जवाब देना भी चाहते हैं तो प्रेम से दें, गुस्से से बिल्कुल भी नहीं। कुछ लोगों पर तो सताव भी होगा। आज भी बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करके बताते हैं कि कैसे उनके गांवों में उनको सताया जा रहा है। इवन मुझे खुद लोग मैसेजेस करते हैं, खुद धमकियां देते हैं। तो दोस्तों, यदि आप विश्वास में नए हैं और आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार आपके खिलाफ हो जाएं, तो यह कोई नई बात नहीं है, यह हैरान करने वाली कोई भी बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विषय में सभी प्रकार की बुरी बातें कहें। दोस्तों, चौथी कठिनाई, अपने विश्वास को दूसरों के साथ साझा करना। जब प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदला तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था और मैं उस खुशी के बारे में सभी को बताना चाहता था, लेकिन मेरे सामने बहुत सारे चैलेंजेस भी थे। जैसे पहला चैलेंज, मैं लोगों के सवालों का जवाब नहीं दे पाता था। जब मैं दूसरों को बताने की कोशिश करता तो वो मुझे कहते कि ये तो पागल हो गया है, साइंस के युग में परमेश्वर की बातें कर रहा है, या फिर कुछ लोग कहते थे कि यीशु तो ईसाइयों का भगवान है, तो दीपक तुम ऐसा कैसे बता सकते हो, ऐसा कैसे कर सकते हो। अगर आप भी इन सब बातों से गुजर रहे हैं और अपने विश्वास को दूसरों के साथ नहीं बांट पा रहे हैं तो निराश बिल्कुल भी ना हो। सीखें, रिसर्च करें, जानकारी हासिल करें, अपने आप को जवाब देने के लिए तैयार करें। हो सके तो बाइबल की नॉलेज के लिए सेमिनार्स अटेंड करें, पासवानों से पूछें, बाइबल सेमिनरी भी जाएं, लेकिन अपने आप को तैयार करें। और यदि आज आप भी जानना चाहते हैं कि दूसरों के साथ या अपने रिश्तेदारों के साथ मैं कैसे सुसमाचार बांटूं, तो उस विषय पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आप उसे ज़रूर देखें। नए लोगों को उस वीडियो से बहुत मदद मिलेगी और पवित्र आत्मा आपकी ज़रूर सहायता करेगी। दोस्तों, पांचवी बात, बाइबल को समझने में कठिनाई। दुनिया में बहुत सारे चर्च हैं और सभी चर्च अपने आप को और अपनी शिक्षाओं को सही मानते हैं। जब मैं नया विश्वास में आया तो किसी ने कहा कि उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से है, जबकि किसी दूसरे ने कहा कि उद्धार तो सिर्फ और सिर्फ बपतिस्मा लेने से होगा। एक ने कहा कि क्रिसमस मनाना ठीक है, जबकि दूसरे ने कहा कि क्रिसमस तो अन्य जातियों का है। एक ने कहा कि 10 आज्ञाओं को आज भी मानना जरूरी है, लेकिन एक दूसरा विश्वासी कह रहा था कि 10 आज्ञाओं को मानना जरूरी नहीं है क्योंकि आज हम अनुग्रह के युग में जी रहे हैं। और इन सब चीज़ों को सुनकर तो मैं बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो गया और मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि मैं उस समय बिल्कुल नया था, सच और झूठ का अंतर मुझे नहीं पता था। उसके बाद मैंने खुद वचन को पढ़ना शुरू किया और एक दिन मैंने यूहन्ना 16:13 पढ़ा, जहाँ लिखा है, परंतु जब सत्य का आत्मा आएगा तो वो तुम्हें सभी सच बातें बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं परंतु वही कहेगा जो वो सुनता है और आने वाली बातें बताएगा। और फिर पवित्र आत्मा ने मेरी मदद की और पवित्र आत्मा ने मुझे बहुत सारे नए और अच्छे लोगों से जोड़ा जिन्होंने वचन सीखने में मेरी मदद की। दोस्तों, आज आप भी, हो सकता है कि आप भी इन चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, लेकिन वचन पढ़ने से, प्रार्थना करने से, अच्छी ट्रेनिंग और दूसरे मसीहों की मदद से आप इन सब चैलेंजेस और कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आज आपके जीवन में और भी कोई चैलेंज है, और भी कोई ऐसी कठिनाई है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि आपके लिए प्रार्थना कर सकें। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। बाइबल और मसीहत पर आधारित और वीडियोस देखने के लिए और वचन को सीखने के लिए हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों,